अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो भाई आप अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा उसको काम करने से। मगर अब क्या करें भाई, हम काम हो गया सारा मुकम्मल, ये थोड़ा सा काम रह गया बस, झाड़ू वाड़ू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत आप सबकी कैसी है? कि भाई ये जो वीडियो है ये कुछ ऐसी वीडियो है भाई, आप इसमें देखें, आपको इसमें एक तो जो टॉक करने वाले हैं तो उनको बहुत सारे टॉक मिल जाएंगे, और जो एहसास करने वाले हैं उनको खुद पता चल जाएगा भाई क्या होता है एहसास। तो भाई डॉक्टर ने मना किया है कोकब को काम करने का, जैसे कि आपको पता है तो 2 महीने रह गए भाई, हमारे घर नया वाला मेहमान आ जाएगा इंशाल्लाह, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया सख्ती से भाई आप है ना इसको काम हम नहीं करने दें। तो मेरे जो घर वाले हैं वो रहते हैं पंजाब में और हम यहाँ कराची में रहते हैं एक प्रदेश शहर में, तो हमारे कुछ रिश्तेदार रहते तो हैं यहाँ पर कराची में, मगर उनसे हमारी बिल्कुल वीआईपी बनती है। और मेरे ससुराल वाले हैं जैसे कि कोकब के अबू वाले हैं, अम्मी वाले हैं, तो इनकी तो जी भाई हम कहाँ पर थे, क्योंकि हम बीच में वीडियो रोक दी थी, पानी वाली मोटर चल रही थी, मोटर बंद करने के लिए चला गया था मैं, तो वीडियो रोक दी थी। अभी बात यह है, हम यहाँ ये कर रहे थे कोकब के अम्मी अबू तो यहाँ रहते हैं, बहन भाई बहन तो है नहीं, अकेली है, इकलौती है भाई माँ बाप की, और इसके भाई हैं वो तो आपके आपने आप सबको पता है भाई, हर बंदा अपने अपनी मसरूफियात में रहता है, जितना हो सकता है भाई वो तो मदद करते हैं। इसकी अम्मी भी है ना, अब इतना तो नहीं है, काफी उम्र है उनकी, वो काफी है ना मदद करते हैं, जैसे कि खाना वाना बना देती है, और जब यहाँ घर पे आती है तो घर का बहुत सारा काम भी करके देती है। अब वो बेचारी हर टाइम तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे जो घर के हैं 3 माले हैं, तीसरे फ्लोर पे रहते हैं हम, वो सीढ़ियों का भी उनके चढ़ने में थोड़ा सा मसला होता है, और बाकी और वैसे भी बहुत बहुत ख्याल करते हैं भाई इसके घर वाले, इतना ख्याल करते हैं जितना कोई भी नहीं करता, शादी के बाद भी इतना ख्याल करते हैं। तो भाई बात यह है ना भाई, इसको मना किया डॉक्टर ने काम करने का, तो काम जो है ना बिल्कुल है ना फैलता जा रहा था, और आप देखें नीचे इतने सारे मतलब एक दो दिन के बर्तन है, जैसे थोड़ा थोड़ा खाना वाना खाते हैं तो वही थोड़े थोड़े बर्तन भी जमाए, और यहाँ पर है ना स्लेब वगैरह भी गंदी हो रही थी, चूल्हा वुल्हा भी है ना गंदा हो रहा था, रमजान शरीफ जैसे आपको पता है अभी अभी गुजरा है, तो ऐसे काम थोड़ा सा फैला हुआ था, हम साथ में साथ कर तो रहे थे मगर प्रॉपर काम नहीं कर पाते, जैसे कि आपको पता है खवातीन घर को संभालती है और कोई भी गंदगी वंदगी नहीं होने देती। तो भाई अभी है ना कोकब को जो है ना वो लगी हुई तो थी मेरे साथ, बहुत सारा उसने काम करवाया भाई, बहुत सारा काम करवाया, फिर ना अभी और थक गई थी, तो उसको मैंने बोला चलो सही है तुम मैंने काम करो, तुम बैठो थोड़ा बहुत है ना, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मदद करता हूँ, अब ये है मोटा मोटा मैंने जो काम है वो कर देता हूँ और छोटा छोटा काम जो है ना कोकब खुद कर लेगी। मगर जैसे कि डॉक्टर ने तो भाई मना किया है बिल्कुल उसको काम करने से, मगर अब क्या करें भाई, हम अकेले जो रहते हैं काम तो करना है। तो भाई मैंने ये स्लीप है ना इसको वॉश कर लिया है, इस पर हम रखते हैं चूल्हा, इसमें ब्रेक लगा दें, तो भाई ये स्लिप हो गया बिल्कुल साफ, इस पर हम रखते हैं चूल्हा अपना खाना वाना बनाने का। पहले तो हम मतलब चूल्हे की दूसरी सेटिंग थी, आप जो है ना कोकब बैठ के खाना नहीं बना सकती ना, तो इसलिए हम इसके ऊपर रख दिया, आपको पता है किराए का घर है, तो किराए का घर है आप, हम अपनी मर्जी से इसको बना नहीं सकते, अगर अपना घर होता तो हम अपनी मर्जी से बना लेते जैसे जैसे हमें चाहिए होता है, अब इतनी हिम्मत तो है नहीं भाई अपना घर खरीद पाए, किराए का घर है भाई, मकान मालिक की मर्जी है भाई, जैसा उसने बनवाया है वैसा हम रह रहे हैं। और ये जबकि है सिंक और टैंकी वैंकी खराब हो गई थी ना जो हमने पिछले दिन आपको दिखाई थी, तो हमने इसके ऊपर एक स्लिप ला के इसके ऊपर रख दिए और चूल्हा इसके ऊपर रख दिया, अपना काम चला रहे हैं, ब्रेक लगा दें। तो ये स्लिप वॉश कर लिया मैंने, थोड़ी थोड़ी गंदी हो रही थी, इसको मैंने वॉश कर लिया है और अब इसको सेटिंग से लगा दिया यहाँ पर। भाई ये वीडियो देखने के बाद ना मुझे पता है मेरे दोस्त और हमारे कुछ रिश्तेदार हमारे जानने वाले सब है ना भाई मजाक उड़ाने वाले हैं, अबू बकर तो भाई जोड़ू का गुलाम बन गया, ये बन गया वो बन गया, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरी बीवी की सेहत सही नहीं है तो मैं उसके साथ मदद नहीं करूँ, ये मैं तो कैमरे के सामने आके कर रहा हूँ ना, वीडियो पीछे तो सभी कर रहे होते ना मदद। चूल्हा वॉश कर लिया भाई, आप देखें फुल चमक रहा है, तो चूल्हे की सेटिंग हो गई है, अब बैठते हैं जल्दी जल्दी है ना बर्तन फिनिश करते हैं, अभी नमाज का टाइम हो रहा है सुबह की नमाज का, तो ये बर्तन फिनिश करके फिर जाएंगे नमाज पढ़ने, क्योंकि मैं जब काम से आया था ना तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बस खाना वाना उसने बना लिया था, खाना वाना तो हमने भाई खा लिया, अब खाना खाने के बाद तो मैंने सोचा सो जाऊँ तो भाई काम तो रह जाएगा, सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना है,
तो क्यों ना हम मिल के है ना काम कर लेते हैं। अब छोटा मोटा जो काम है ना बैठा हुआ वो कर दिए को कब, और जो है ना तेज ज्यादा काम है ना मेहनत वाला वो तेरे ना मैं जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। तो अभी भाई मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोता हूँ, फिर हो रहा है नमाज का टाइम और नमाज पढ़ते हैं, फिर ना अभी आपको दिखाता हूँ मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँ भाई, घर का सफाई कर फिर जो नमाज पढ़ने। बस थोड़ा सा रुक, मैं साबुन से भी खाए। तूने किसको मारा, मार के रखा हुआ है ये वाला? वो कहाँ है बाकी? इसको मारना है, इसको छोड़ दे, ये बिल्कुल टाइम में इसके पानी में ये घुल जाती है। अच्छा नहीं सबको साबुन लगाओ, ड्रे को कटोरी में मग्घा का है। तो भाई बस ये बर्तन वर्तन धो के फिर है ना फ्री हो जाएंगे। भाई सबसे बड़ी बात पता क्या है, मुझे कोका मना कर रही थी, बोल रही थी आप नहीं काम करो, ये है वो है, बहुत गलत बात है, हमारे जो है ना रिश्तेदार वगैरह सब हंसेंगे। मैंने बोला भाई अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो जाए तो मुझसे कोई पानी भी नहीं पूछेगा इस पर आए शहर में। आप बताएं कैसा है? मैं सही हूँ अपनी जगह पे या गलत हूँ? आपने कमेंट में ज़रूर बताना है मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो भाई आप जैसे कि आपको पता है हमारा काम ही व्लॉगिंग का है भाई, आजकल नौकरी बहुत मुश्किल है, राइटर का काम करता हूँ, काम वाम भी नहीं है बिल्कुल, इतना मुश्किल हालात तंग हो गए हैं, इसलिए ना भाई हमने सोचा किसी की क्या नौकरी करनी भाई, नौकरियाँ मिलती नहीं है, इतनी नौकरी कर लिए भाई है ना, बस बातें अलग से सुनो और नौकरी अलग से करो, समझ नहीं आती क्या क्या करना है, जितना भी है ना मेहनत कर लो और मालिकान मैनेजमेंट कभी भी खुश नहीं होती, उन्होंने वही बातें सुनानी है। तो इसलिए हमने मैंने सोचा है भाई क्यों ना मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। अब व्लॉग बना रहे हैं तो मैंने बोला जब हमारा काम ही व्लॉग बनाने का, क्यों ना मैं अपने घर पर व्लॉग बनाऊँ भाई। भाई घर का काम करने में कौन सी एक आसान हो जाना सरफ का जी। तो भाइयों घर का काम करने में कौन सी शर्म है, यही काम हम होटलों में भी करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं और दूसरी जगह करते हैं जहां पर हमें तनख्वाह मिलनी होती है। अगर हम घर वालों के साथ मिलकर काम करवाएंगे तो भाई कौन सी बुराई है। मेरी तो भाई वाइफ की तबीयत सही नहीं है तो मैं तो भाई इसलिए धो रहा हूँ। अब हर किसी की अपनी मर्जी है, भले जो जितनी बातें भी सुनाए कुछ भी करे, अगर किसी को तकलीफ है तो वो यहाँ आके भाई काम कर ले। हाँ अगर किसी को तकलीफ है भाई वो यहाँ आके काम कर ले और मैं बैठा रहूँगा, बातें जिसने करनी है भाई करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अल्लाह करे हमारा जो मेहमान आने वाला है खैरियत से वो आ जाए इस दुनिया में, फिर तो भाई पूरी जिंदगी वो कब नहीं काम करने, कौन सा मैं नहीं करना है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा भाई, अभी बहुत सारा काम रहता है तो आप देखिएगा भाई कौन कौन सा काम करना है। मुझे पता है भाई ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग हंसने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग ना गुस्सा करने वाले हैं, सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हैं बस वो, हाँ और कुछ भी नहीं कर सकते। चले मैंने बर्तन को साबुन लगा दिया, अब आप बस ये पानी मारूंगा उसके बाद भी बहुत सारा काम है। थक गया हूँ यार बहुत काम है भाई, खवातीन कैसे धोती हैं बर्तन, मेरे तो बाजू दर्द करने लग गया है। हिम्मत है उनको, उन माओ को, उन बहनों को सलाम है जो इतना सारा काम करते हैं, और सलाम है मुझे अपनी बीवी पे जो बेचारी ने पिछले 6 महीने इस हालत में काम भी किया है। चलो बस बने जी। तो भैया अभी हो गया सुबह की नमाज का टाइम और मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के। फिर बोले जी। तो भाई अभी हो गया सुबह की नमाज का टाइम तो मैंने काम हम छोड़ दिया यहाँ पर, जाता हूँ नमाज पढ़ के आता हूँ तो बाकी काम बाद में करते हैं भाई। तो वो कवर कहाँ गया जी? तो भैया बस काम हो गया सारा मुकम्मल, ये थोड़ा सा काम रह गया बस, झाड़ू वाड़ू लगाना है, ये बस झाड़ू लगा के इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा क्लियर, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, तो स्कूल छोड़ने के बाद फिर आराम करेंगे। अब आप बोल रहे होंगे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं रात में क्यों कर रहा था, दिन में क्यों नहीं कर सकता था? फिर दिन में तो एक बहुत गर्मी होती है और दूसरा फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना लेना, तो इस चक्कर में
दिन गुजर जाता है पूरा। ये मेरे मैक का वो गिर गया था, इस चक्कर में पूरा दिन गुजर जाता है। तो भाई दुआ करें, क्या दुआ करें, बस हमारा काम होने वाला है कंप्लीट। भाई जो जो दोस्त भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, अपने घर वालों की मदद करें। अब हमारा दो महीने की बात है, दो महीने का भाई काम कर लें, उसके बाद फिर वो इको का भी काम करना है उसने, इसी घर का ये काम घर उसने संभालना है, हमने थोड़ी संभालना है। अभी हम मैं जा रहा हूँ हसन को और हुसैन को स्कूल छोड़ने के लिए, तो वापस आके फिर नाश्ता करते हैं। अभी तो बच्चों का नाश्ता करवा दिया, वापस आके नाश्ता करते हैं। तो फिर बच्चों हसन हुसैन अल्लाह हाफिज, कहाँ जा रहे हो बच्चों? स्कूल। अल्लाह हाफिज हसन, अल्लाह हाफिज हसन, अल्लाह हाफिज। वीडियो बन रही है बेटा, तो बस मैं यहाँ पर जा रहा था बच्चों का स्कूल छोड़ने के लिए। और ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। हो सकता है न्यू आने वाले व्लॉग में इससे कोई ज़्यादा है ना काम करें, मैं तो सोच रहा हूँ कपड़ों की मशीन लगाऊंगा, कपड़े वगैरह धोऊंगा। तो दुआ में याद रखिएगा, तो हमारी पूरी फैमिली के लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।